गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेनक्रियास के स्ट्रक्चर के बारे में और पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाले पेनक्रियाटिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हुआ करते हैं उनके द्वारा होने वाले डाइजेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में और उससे सिक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा होने वाले डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हुआ करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहां प्रेजेंट हुआ करती है, एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा में उपस्थित हुआ करती है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग हुआ करते हैं। पहला भाग कौन सा है? ड्यूडिनम। दूसरा भाग कौन सा है? जेजुनम। और तीसरा भाग जो है वो कौन सा होता है? इलियम हुआ करता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला भाग हुआ करता है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि जो लीवर हुआ करता है, इस लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, ओके, लीवर से निकलने वाला बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा कहां पर मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडिनम में मिलता है। ओके, इसी तरीके से दूसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि लीवर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है और मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दूसरी जो ग्लैंड है कौन सी? पैनक्रियास। इस पैनक्रियास से सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित हुआ करते हैं। तो ये पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से निकलने वाला बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस भाग में स्त्रावित हुआ करते हैं वो भाग कौन सा होता है? वो भाग होता है ड्यूडिनम पार्ट। ओके, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट हुआ करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट जो हुआ करता है, ये दूसरा पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ये इलियम जो हुआ करता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम जुड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट हुआ करता है जिसको अपन इलियम बोलते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, उससे सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में और उनके द्वारा होने वाले डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। ओके, तो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली परतों यानी कि लेयर्स के बारे में। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चार लेयर्स प्रेजेंट हुआ करती है, यानी कि चार परतें उपस्थित हुआ करती है। सबसे पहली जो परत हुआ करती है, जो सबसे बाहर की ओर उपस्थित हुआ करती है, कौन सी कहलाती है? सीरोसा कहलाती है। इसके ठीक भीतर की ओर जो परत उपस्थित हुआ करती है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहलाती है। ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना दो लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ करती है, एक जिसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हुआ करती है और एक जिसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करती है। ये आप देख रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर लेयर हुआ करती है और ये सर्कुलर मसल्स की लेयर हुआ करती है। तो इस मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट हुआ करती है, एक जो कि सर्कुलर मस्कुलर लेयर हुआ करती है और एक जो कि लॉन्जिट्यूडिनल लेयर के रूप में प्रेजेंट हुआ करती है। ओके, इसकी तीसरी जो लेयर हुआ करती है जो मस्कुलर के भीतर की ओर प्रेजेंट हुआ करती है, क्या कहलाती है? सब म्यूकोसा कहलाती है। और इसके ठीक भीतर की ओर इसकी सबसे चौथी लेयर प्रेजेंट हुआ करती है और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो हुआ करती है वो होती है कौन सी? म्यूकोसा। ओके, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों स्पेसिफाइड हुआ करती है पाचन और अवशोषण के लिए। मैंने आपको बताया कि यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग हुआ करता है यहां पर भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न होता है और पूर्ण पाचन के साथ साथ यहां पर सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया भी जो संपन्न हुआ करती है, जो पचित भोज्य पदार्थ हुआ करता है उसका जो अवशोषण हुआ करता है जिसके कारण ये पचित भोज्य पदार्थ रक्त में प्रवेश करते हैं, वो अवशोषण की क्रिया इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ करती है और इसके लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं जो देखने को मिला करती है वो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में ही उपस्थित हुआ करती है। ओके,
अब इस म्यूकोसा वाले भाग में आप देख रहे हैं कि ये जो म्यूकोसा वाला भाग है, इस म्यूकोसा वाले भाग में ये इस प्रकार से अंगुली नुमा उभार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अंगुली नुमा उभार यानी कि फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विलय। क्या कहलाता है? विलय। ओके, तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है वो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। और इस विलय के अंदर तीन प्रकार की ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं उपस्थित हुआ करती है। कौन कौन सी हुआ करती है? एक उपस्थित हुआ करती है आर्ट्रियोल, एक उपस्थित हुआ करती है कैपिलरीज, और एक उपस्थित हुआ करती है लैक्टियल डक्ट। और ध्यान रखना, लैक्टियल डक्ट जो हुआ करती है ये केवल और केवल वसाओं के अवशोषण का कार्य करती है। तो इस विलय के अंदर तीन प्रकार के ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करती है। पहली कौन सी बताई? आर्ट्रियोल। ओके, तो फर्स्ट कौन सी है? आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल का मतलब होता है धमनिकाएं। ओके, दूसरी जो यहां पर प्रेजेंट हुआ करती है वो होती है कौन? कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है? केशिकाएं। सबसे छोटी या कम व्यास वाली जो नलिकाएं हुआ करती है वो कौन होती है? कैपिलरीज हुआ करती है। और तीसरी जो है वो मैंने आपको बताई कौन सी होती है? लैक्टियल डक्ट। और ये लैक्टियल डक्ट जो होती है वो किसका अवशोषण करती है? वसा अवशोषण का काम करती है। ओके, तो वसा अवशोषण का काम कौन करती है? लैक्टियल डक्ट करती है। ओके, फैट्स एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले कौन करती है? लैक्टियल डक्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूं कि लैक्टियल डक्ट जो है वो क्या करती है? फैट्स का अवशोषण करने का कार्य करती है। ओके, ये जो स्टमक हुआ करता है, सॉरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हुआ करता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में चार विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी देखने को मिला करती है। तो ये चार विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है वो कौन कौन सी होती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चार प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हुआ करती है उनमें पहली हुआ करती है एब्जॉर्प्टिव सेल। कौन सी है? एब्जॉर्प्टिव सेल्स। नाम हिंदी में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? अवशोषी कोशिकाएं। ओके, नाम से पता चल रहा है ओके कि क्या करेगी? अवशोषण का कार्य करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अवशोषण की क्रिया हुआ करती है, मैंने बताया पाचन के साथ साथ क्या देखने को मिलता है? अवशोषण देखने को मिलता है। तो ये जो अवशोषण की क्रिया हुआ करती है, इस क्रिया के लिए इस एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट हुआ करते हैं विलई, और विलई के अंदर कौन प्रेजेंट है? माइक्रोविलई। देखो, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो है विलई, जो अंगुली नुमा उभार है वो क्या है? विलई। इस विलई पर आप देख रहे हो ये इस तरीके से और छोटे छोटे विलय रूपी संरचनाएं और देखने को मिल रही है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं माइक्रोविलय। ये माइक्रोविलय जो हुआ करते हैं ये अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। किसको बढ़ाते हैं? अवशोषण सतह को, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन? माइक्रोविलय, जिसके कारण अवशोषण सतह जो है वो अधिक हो जाया करती है और आहार नाल के इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग से पचित पूज्य पदार्थ का आसानी से क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाया करता है। ओके, ये माइक्रोविलय जो है वो इतने अधिक संख्या में हुआ करते हैं कि ये इस विलय पर एक ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? ब्रश बॉर्डर का, यानी कि ये एक तरीके से ब्रश बॉर्डर के रूप में यहां पर उपस्थित हुआ करते हैं। कहां पर? विलय पर। तो विलय पर क्या उपस्थित होते हैं? माइक्रोविलय जो है वो उपस्थित हुआ करते हैं। ओके, तो आहार नाल के इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में जो चार विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें से पहली कोशिका कौन सी है? एब्जॉर्प्टिव सेल हुआ करती है, अवशोषी कोशिकाएं हुआ करती है, जिन पर क्या उपस्थित होते हैं? विलय, और विलय पर माइक्रोविलय उपस्थित होते हैं। और ये माइक्रोविलय क्या बनाते हैं? एक ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। इनका फायदा क्या है? ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का अनुकूलन है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अवशोषण सतह को बढ़ाता है और आहार नाल के इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग के विशेष कार्य यानी कि अवशोषण की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है।
ओके। अब दूसरी प्रकार की जो कोशिका हुआ करती है वो कहलाती है गॉबलेट सेल। तो दूसरी कोशिका जो है विशेष प्रकार की वो कौन सी है, गॉबलेट सेल हुआ करती है। और ये गॉबलेट सेल जो हुआ करती है वो म्यूकस का स्त्राव करने का काम करती है। किसका स्त्राव करती है, म्यूकस का स्त्राव करती है। म्यूकस क्या करेगा, आहार नाल में भोजन को नम और लसलसा बनाए रखने का काम करता है। तीसरे प्रकार की जो कोशिका हुआ करती है वो यहां पर होती है एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी कोशिकाएं, क्योंकि अंतःस्रावी प्रकृति की है तो आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्त्रावित होता है, हार्मोन। तो ये जो कोशिकाएं हुआ करती हैं क्योंकि अंतःस्रावी प्रकृति की है इसलिए ये किसका स्त्राव करती है, ये हार्मोन का स्त्राव करती है। और चौथी इंपॉर्टेंट कोशिका जो हुआ करती है उसे बोलते हैं पैनेट सेल। ओके, तो चौथी इंपॉर्टेंट सेल जो है वो कौन सी है, पैनेट सेल। और ये पैनेट सेल जो है वो स्त्राव करती है लाइसोजाइम का। किसका स्त्राव करती है, लाइसोजाइम का। ओके, और लाइसोजाइम आप जानते हो एक प्रकार का प्रतिरक्षी स्त्राव हुआ करता है जो यहां पर प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ओके, लाइसोजाइम आपने आंसू में भी देखा था, आंसू में भी क्या उपस्थित होता है, लाइसोजाइम उपस्थित होता है। मुख से स्त्रावित होने वाली जो लार हुआ करती है उस लार में भी कौन उपस्थित होता है, लाइसोजाइम उपस्थित हुआ करता है जो प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ओके, तो इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम देखें तो चार विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हुआ करती है। पहली एब्जॉर्प्टिव सेल यानी कि अवशोषी कोशिकाएं क्या काम करती है, अवशोषण का कार्य करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है जिसके लिए कुछ विशेष संरचनाएं यहां पर उपस्थित हुआ करती है। कौन होती है वो विशेष संरचनाएं, वो विशेष संरचनाएं विलय, और विलय पर क्या उपस्थित, माइक्रोविलय। किसके रूप में, एक ब्रश बॉर्डर के रूप में उपस्थित हुआ करते हैं जो अवशोषण सतह को बढ़ाते भी हैं और अवशोषण की क्रिया में सहायता भी करते हैं। दूसरी जो विशेष कोशिका अपन ने देखी कौन सी थी, गॉबलेट सेल। किसका स्त्राव कर रही थी, म्यूकस का। और ये म्यूकस भोजन को नम बनाए रखने का, लसलसा बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरी एंडोक्राइन सेल यानी कि अंतःस्रावी कोशिकाएं, नाम से पता चल रहा है अंतःस्रावी प्रकृति की है अतः किसका स्त्राव करेगी, हार्मोन का। चौथी जो कोशिकाएं हुआ करती है वो पैनेट सेल हुआ करती है। और ये पैनेट सेल इस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भागों की सुरक्षा के लिए लाइसोजाइम का स्त्राव करती है। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन कोशिकाओं के अलावा कुछ और विशेष संरचनाएं देखने को मिला करती है। कौन कौन सी विशेष संरचनाएं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो विलय हुआ करते हैं इन विलय के अवकाशों में, किसमें, जो विलय हुआ करते हैं इन विलय के अवकाश में, अवकाश का मतलब क्या होता है, जो बीच में स्पेस हुआ करते हैं उनमें, उनके अंदर देखने को मिलती है आंतरीय ग्रंथियां। क्या देखने को मिलती है, आंतरीय ग्रंथियां यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके, क्या बोलते हैं इनको अपन, ये आंतरिक ग्रंथियां जो है वो कहलाती है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। क्या कहलाएगी, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। तो ये आंतरिक ग्रंथियां जो है क्या कहलाती है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून कहलाती है। ओके, तो क्या कहलाएंगी, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून कहलाती है। ओके, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के लेमिना प्रोपिया भाग के अंदर, कौन से भाग के अंदर, लेमिना प्रोपिया भाग के अंदर क्या उपस्थित होता है, उपस्थित होता है मॉल्ट। क्या उपस्थित होता है, मॉल्ट। ओके, मॉल्ट का फुल फॉर्म क्या है, मॉल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, अब देखो नाम से पता चल रहा है लिम्फोइड टिश्यू है, तो लिम्फोइड टिश्यू क्या करता है, लिम्फोइड टिश्यू प्रतिरक्षा का कार्य करेगा। लिम्फ उत्तक है तो लिम्फ उत्तक
प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ओके, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित हुआ करती है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। क्या उपस्थित होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो हुआ करती है, ये ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के सब मुकोशा भाग के अंदर उपस्थित हुआ करती है और म्यूसिन और प्रोटीओलाइटिक एंजाइम के स्त्रवण का कार्य भी करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है? ब्रूनर्स। ओके, ये ब्रूनर ग्लैंड जो है वो कहां प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा वाले भाग के अंदर। ओके, तो जो चार परतें अपन ने देखी थी, सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सब म्यूकोसा, तो इस सब म्यूकोसा वाले भाग के अंदर ये ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट हुआ करती है। किस किस का स्त्राव करती है? ये स्त्राव करती है म्यूसिन का और प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स का। तो इससे स्त्राव होता है किसका? एक तो म्यूसिन का और एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स का। तो म्यूसिन और प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स का स्त्राव कौन करती है? ब्रूनर ग्लैंड्स करती है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हुआ करती है, वो प्रेजेंट हुआ करती है लिम्फ नोड के रूप में। किसके रूप में? लिम्फ नोड के रूप में। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पेयर पैचेस। क्या कहलाते हैं? पेयर पैचेस। ओके, तो ये जो पेयर पैचेस हुआ करते हैं ये किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड के रूप में, है ना। आपने देखा है पहले लिम्फ वेसल्स जो हुआ करती है उनके अंतिम पार्ट जो स्वेलन हुआ करते हैं, जो जॉइंट्स पर प्रेजेंट हुआ करते हैं स्पेशली बॉडी में, वो लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। तो यहां पर भी लिम्फ नोड के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर पैचेस प्रेजेंट हुआ करते हैं और ये दोनों हमारे इम्यूनिटी के रूप में रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी संरचना किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो संरचना हमने देखी उसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आपको बात करनी किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली लेयर्स के बारे में। कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। कौन कौन सी है? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा हुआ करती है। म्यूकोसा वाले भाग के अंदर कुछ अनुकूलन देखने को मिलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अवशोषण की क्रिया को बढ़ाने का या सहायता करने का काम करते हैं। कौन होते हैं? विलयी होते हैं। इन विलयी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? इन विलयी के अंदर 3 टाइप की डक्ट्स या ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज और लैक्टियल डक्ट हुआ करती है। 4 टाइप की स्पेशल सेल्स यहां पर प्रेजेंट हुआ करती है, जिनमें एब्जॉर्प्टिव सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स और पैनेट सेल्स हुआ करती है। इसके अलावा यहां कुछ विशेष स्ट्रक्चर्स भी और देखने को मिलती है, जैसे जो विलयी हुआ करते हैं उनके बीच बीच में जो अवकाश पाए जाते हैं वहां पर क्या पाई जाती है? आंतरिक ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या कहलाती है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून कहलाती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के लेमिना प्रोपिया भाग के अंदर क्या मिलता है? मॉल्ट। मॉल्ट का मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके अलावा क्या मिलती है? ब्रूनर्स ग्लैंड्स। क्या मिलती है? ब्रूनर ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सब म्यूकोसा पार्ट हुआ करता है, सब म्यूकोसा लेयर जो हुआ करती है उसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो म्यूसिन और प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन का रोल प्ले करती है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है? इसके अलावा प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो लिम्फ नोड के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट हुआ करती है। क्या कहलाती है? पेयर पैचेस कहलाते हैं। ओके, तो ये सभी किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उपस्थित हुआ करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्त्रावित हुआ करते हैं और उनसे जो डाइजेशन हुआ करता है उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।